पढ़ना लिखना छोड़ दे बंदे, नेकियों पर कर आज। मैं तो कहता हूँ चादर उठा और आराम से सो जा, भगवान करेंगे पार। अरे तू टेंशन मत ले यार, जरा सामने देख, मन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं हमारी बातें सुनने के लिए। आओ आओ हम उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। तो बच्चों, क्या आप हमारा शो टीवी पर देखते हो? क्या आपको हमारा शो अच्छा लगता है? अरे वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। अरे बतू, तेरी कक्षा कैसे चल रही है? कक्षा की सुनो भैया, एक बार मेरे हिंदी के अध्यापक ने मुझे गधे पर निबंध लिखने को बोला। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? दूसरे दिन अध्यापक ने पूछा कि तुम्हें गधे पर निबंध लिखने को बोला था, लिखा क्या? तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मास्टर जी, जैसे ही मैंने निबंध लिखने के लिए गधे पर पेंसिल लगाई, गधा ही भाग गया। तुम्हारी कक्षा कैसे चल रही है, जरा तुम भी तो बताओ। अरे मजे से चल रही है भैया। एक दिन मास्टर जी ने मुझे एक खाली स्थान भरने को दे दिया। चले मुझे भी तो बताओ, वो खाली स्थान क्या था? 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश को चली। तो तूने खाली स्थान में क्या उत्तर दिया? मैंने उत्तर दिया, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मास्टर जी ने मुझे जोर से चाटा मारा और कहा, नालायक, मजाक करता है, जा निकल जा मेरी कक्षा से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैंने भी फिर कह दिया, मास्टर जी, ये उत्तर तो मैंने आपका मन रखने के दिया था, 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या, उसका बाप भी नहीं चल सकता। अरे पतलू, मैंने सुना है तुम्हें शायरी बहुत आती है, सुनाओ ना कुछ। हाँ तो सुनो भैया, जोर से चली हवा तो उड़ गया कुत्ता। वाह 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 वाह, जोर से चली हवा तो उड़ गया कुत्ता। अरे आगे भी तो बताओ। आगे क्या होना था, रुक गई हवा तो गिर गया कुत्ता। अच्छा, तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो पानी दे रहा हूँ, शायद पड़ी होकर बस बन जाए। और सुनो, नींद आती है तो ख्वाब आता है। वाह 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 वाह, नींद आती है तो एक ख्वाब आता है, ख्वाब में एक लड़की आती है और पीछे उसका बाप छड़ी लेकर आता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर ना नींद आती है ना ख्वाब आता है। अरे तुम भी तो कुछ सुनाओ। हाँ हाँ सुनो, एक बार मैं बाथरूम में सुसु करने के लिए गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बाथरूम में शेर बैठा था। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा, शेर भैया आप कर लो, मेरा तो पेंट में ही निकल गया। अरे मोटू, तुम उस दिन चाकू को क्यों उबाल रहे थे भला? आत्महत्या करने के लिए। पर उसके लिए चाकू को उबालने की क्या जरूरत थी भला? अरे मेरे शरीर में इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए। अरे पतलू, क्या तुम व्हाट्सएप और फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सारा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक चलाता हूँ, एक भी रुपया बाहर नहीं आता। तो सुनो, व्हाट्सएप और फेसबुक को डिलीट कर दो, किसी काम धंधे में लग जाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। एक दिन मैं शीना आंटी के घर गया,
उसकी बेटी रिंकी जोर जोर से रोने लगी। अच्छा तो फिर क्या हुआ? शीला आंटी ने उसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम दुकानदार को पैसे ज्यादा दे आई या फिर तुम्हारे पैसे चोरी हो गए? तुम तो मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी ना? अच्छा तो रिंकी ने क्या कहा? रिंकी ने कहा, अरे माँ मैं तो इसलिए रो रही हूँ, जिस मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी वहाँ पे सेल्फी लेना तो भूल ही गई था। जिंदगी बड़ी उदास है, मुझे लगी प्यास है, मुझे खेली आती सांस है, आओ आती घास है, मैं उसका सर फोड़ दूंगा जिसने कहा हमारा शो बकवास है। इसके साथ ही हम मोटू और खतरू आपसे इजाजत लेते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते।